खबर सिकराई उपखंड क्षेत्र से, जहां पर निहालपुरा के रामदेव मंदिर पर समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती भी मनाई गई, जिसमें राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, जहां लोगों ने परंपरागत स्वागत किया गया और 151 किलो की माला पहनाई गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान एसटी और एससी के आरक्षण से छेड़खानी नहीं करने का विश्वास भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की एक वीडियो दिखाई गई। वीडियो में एसटी एससी के आरक्षण को लेकर कई प्रकार के प्रधानमंत्री के वादे भी और घोषणा भी दिखाई दी। इस दौरान वीडियो में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष की भी वीडियो दिखाई गई। नागरिकता जिसका संविधान बनाया गया, क्या क्या अपमान कांग्रेस ने किया, या आपने संसद से प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है, उनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि एसटी एससी के लोगों के बीच में अगर मोदी की सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, वो भ्रम को आज हमने क्लियर किया है संसद के भाषण के जरिए, हमारे भाषणों के जरिए और माननीय मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया उसके जरिए। और मेरे को भरोसा है कि एसटीएससी के लोग किसी कुप्रचार किसी भड़काव में नहीं आएंगे, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कन्हैयालाल को जिताएंगे, जिससे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन सके और इस देश को आगे ले जा सके, सशक्त बना सके, आर्थिक दृष्टि से सामर्थ्य।